क्षेत्र विधायक सौरभ बहुगुणा के प्रयासों से रुके हुए सरकारी बस अड्डे का कार्य पुनः चालू हो गया है। विधायक ने मौके पर पहुंचकर चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया और उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2020 तक कार्य पूरा हो जाएगा। निवर्तमान मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा द्वारा वर्ष 2013 में सितारगंज में रोडवेज स्टेशन न होने से जनता की सहूलियत के लिए मीना बाजार में रोडवेज स्टेशन की घोषणा की थी। इसके बाद कार्य भी प्रारंभ हो गया था, लेकिन विजय बहुगुणा के सीएम पद से हटने के बाद कार्य अधूरा ही रह गया। सितारगंज बस अड्डा जो है ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट था सितारगंज के लिए, जो कि मेरे पिताजी और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड विजय बहुगुणा जी द्वारा स्वीकृत किया गया था 2013 में, और इसमें फंड की उस वक्त एलोकेशन करी गई थी। लेकिन उनके हटने के बाद माननीय जब अजीत सावंत जी मुख्यमंत्री बने तो इस पूरे बस अड्डे का काम रोक दिया गया था और 3 साल तक ये ऐसे ही पड़ा रहा है विदाउट फंड। और जब हमारी सरकार आते हैं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, माननीय यशपाल आर्य जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने इसमें लगभग अभी तक 2 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिल चुकी है, 2.5 करोड़ रुपये इन्होंने दे दिए हैं और आज आप देख रहे हैं काम चल रहा है। और 31 मार्च की डेडलाइन रखी गई है, 31 मार्च को ये पूरा हैंडओवर कर दिया जाएगा और टनकपुर डिपो के साथ टाई अप हो चुका है और अप्रैल से यहाँ पर बसें आना शुरू हो जाएंगी। सर ये तो बताइए, उम्मीद ये है कि सितारगंज के जो वासियों से हमारा वादा था कि सितारगंज में बस स्टेशन चलेगा और बस यहाँ पर आने शुरू होंगी, यात्रियों को सुविधा मिलेगी, उसी पे ये कार्य चल रहा है। और जैसे ही ये डिपो शुरू हो जाएगा तो हमारे क्षेत्र के लिए बहुत फायदे की बात होगी, जब बसें आएंगी बसें जाएंगी, यात्री यहाँ पर किसी को रुकना सड़क पे वेट नहीं करना पड़ेगा, हादसे कर लेंगे जो आए दिन हादसे हो जाते हैं खटीमा चौक पे, वो सब उससे भी बचाव होगा। तो कहीं ना कहीं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी को, हमारे सारे कार्यकर्ताओं को और माननीय यशपाल आचार्य जी।